जय जोहार संगवारी हो, स्वागत है आप वाला अपन यूट्यूब के चैनल में रीना देवांगन माता संगवारी हो। सबसे पहली मैं बड़े वाला प्रणाम और छोटे भाई बहन मिला बहुत सारा प्यार है। तो संगवारी हो आप मन कैसे हो, आशा करत हूँ कि आप मन सब जन बने बने हूँ, स्वस्थ हो मस्त हो मन सब जन बने बने हवन। तो संगवारी हो आपन हमारे भैया की शादी के पहला पार्ट के आपन वीडियो देखे हो जे हल्दी के रसम और पर झूला वाले रसम ना दिखा रहे हो, पर आज हरे मोर भैया के शादी के दूसरा वाले पार्ट आप मन दिखाने वाला हो। जब हमारे भैया के बारात है और शादी के रसम होते वो ही अमर भैया के रिसेप्शन में ना अमर भैया मन कपल डांस करे संगवारी हो, तेकर वीडियो भी बने है वे। ता आपन है ना ये वीडियो स्किप करके बस ना बिल्कुल मत देखो, काकी शादी में ना बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है वे। ता आप मन ना जो पहला पार्ट की वीडियो ला नहीं देखी हूँ तो ये वाले वीडियो के ना वाले की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इमा मैं यहाँ डाल दूँ जिमा आप मन जाके देख सकता हो। तो चलो संगवारी हो देरी नहीं करथन हमारे वीडियो ला हम ना देखथन। तो ये देखो हमारे दूल्हा भैया तैयार हो चुके हैं, मस्त पगड़ी भी लगा डले है और बिंदी बिंदी मस्त दूल्हा के रूप में पूरा सज चुके हैं। तब भैया तैयार हो गए हैं, ओकर बाद में ना भैया के मोर सोपे के तैयारी चलत है। कार की बारात निकले के समय में ना माँ मन हा मोर सोप थे, तब भैया के ना देखो मोर सोपा थे और मोर सोपा थे ओकर मम्मी हरे, एक जन जो कलश पकड़े है ओकर मामी हरे, और एक जन दिया पकड़े है ना वो ओकर मामी हरे, और इस दीदी में हमन ऐसी बात करथन। तब पति हाँ देव हम उनके वीडियो लेके हमन हंसात रही से वे। ता अब भैया के मोर तको सोपा गए है, तब मोर सोपाए के बाद में ना गोबर के मुठिया जैसे बना रहे थे, मोला तो नहीं पता है संगवारी हो का बोलते तेला आप मना कमेंट करके बताओ। तो इस साइड में ना माँ की कुछ रसम रहते तेला है, देखो पर्दा ढाक के इसने करते, तो इस साइड माँ और बेटा के रसम रहते ओमन ए साइड करत है। तब भैया के ये सबो रसम हो गए है, ओकर बाद ना भैया ला चावल दी से, ओकर बाद ना भैया है ना वही चावल ला पकड़ के छीता छीता वह अपन बाहर तक जाही, तो ओकर मम्मी हाँ हाथ पकड़ के ओला पूरा ले जाते। तो ये देखो अब आगे है भैया बाहर में, कर की संगवारी हो हमार भैया और भाभी के शादी है ना एक ही भवन में हुआ थे, ओकरे कारण ज्यादा कुछ रसम तो नहीं हो पावा थे, कर की एक ही भवन में कहाँ रसम मन हो पाते। तो इस साइड ना दीदी में हमारे मिल के फोटो खिंचवा था, कार की यही तो यादगार पड़ा थे संगवारी हो, जो मन हम बाद में भी हम ना देख सकता हन। तो ओकर बाद में यहाँ पे लाल भाजी खवाए के भी रसम हुआ थे, तो यहाँ पे देखो लाल भाजी खवाए बार आ है, तो भैया हमारे लाल भाजी खवा थे, तो भैया लमन खा ले भैया ऐसे करके बोला था ना, तो नहीं खाओ करके वही हंसत रही से। और ये देखो लाल भाजी तेला पका के ला है, लाल भाजी ला ऐसे नहीं के लिए बस लाथे ला फिर से आ गए हैं वापस हमारे बीच हमारे बीच में आ गए, देखो सर मावा दे और ए तरफ हमन भाभी से मिले बार आ गए, भाभी तैयार हो ही कि नहीं करके, और ए साइड में ना हमार भैया के तको बैठ चुके हवा मंडप में। तो ए साइड महाराज मन जो बताते नेंग जो ते मला भैया हाँ अपन पूजा पाठ करके करत है, तेरी वर पूजा करत है भैया अपन। ओकर बाद में ना भाभी हमार बुलाए रही से कि चला रही ना ते तैयार कर देवे इसे करके, तो वही अपन भाभी के ना मैं हेल्प करे के लिए आ गई हूँ भाभी ला अपन तैयार करे बर। ऐसे भी मोल धुलन उलन मन ना सजाए में बहुत अच्छा लगता है मोला कोई तैयार व्यार करे में, तो मैं यहाँ तैयार करे में ना इंटरेस्टेड लेता हूँ ये सब चीज़ में। तो ये देखो वही भाभी के ना ओकर भाभी हरे, तो यहू हुआ मोर उड़ला थोड़ा बांधत रही से जवाय रही तेला, अब मैं यहाँ अपन भाभी ने मिलात रही हूँ। ये दे मोर भाभी है तैयार हो चुके हैं इसे करके, तो हमारे भाभी तैयार हो चुके हैं संगवारी हो। तो ये देखो दीदी हलावत है मंडप में ले जाए के लिए, तो हमारे भाभी हाँ जावा थे मंडप माँ अपन दूल्हा से मिले बस। तो अब हमारे भैया भाभी मन हाँ दोनों जना मंडप माँ बैठ चुके हवा हाँ। ते देखो हमारे भैया भाभी की जोड़ी कैसे लगा थे तेला मन कमेंट करके जरूर बताओ। अब ए हरे मोर बड़े वाली दीदी के ओकर हाँ के जीजा हरे, और ये हाँ ओकर बेटी हरे, तो हमारे जीजा के ना दो जन जुड़वा जुड़ा बेटी हवा हाँ। अवे वाला जीजा है ना रायपुर के ना चंगोरा भाटा माँ तको रही थी वाले जीजा हाँ। तो ए साइड माँ देखो नेंगजोक मन तको शुरू हो गए है, तो हमार भाभी के ना कन्यादान ना ओकर भैया और भाभी करत है वे। और इस साइड देखो फेरा लेख लिए लाई वरमाला सिंदूर एमन सब चीज तैयार हो गए हवे, तो हमार भाभी के देखो कन्यादान के लिए ना ओकर भाई तको आ गए है, कार की वही में इसे जल डाल के ना हाथ में, तो ओकर भाई है रसम करत है, देखो दूध में करके इसे रसम करत है, ओकर भैया भाभी भी हाथ लगाए हुए हवे। और ये वाला रसम मैंने संगवारी हो बहुत यादगार रहते, और एक लड़की के लिए तो ना खासकर बहुत यादगार रहते, बहुत हसीन पल रहते जो पल रहते थे यहाँ। और ये सब रसम ना देख के ना माहौल अपन शादी के याद आत रही से कि मोरो शादी में ना इसने इसने रसम हो रही से करके। तो अब पानी ग्रहण के रसम तको शुरू हो गए हवे, जेमा दूल्हा और दुल्हन के पैर ना दूध और पानी में धोते और वही ला जल्ला लेते। ओकर बाद में ना
मोर पति देव और मोर दीदी के जो बड़े वाले बेटी है ना तेमन मस्ती करत रही से तब पति देव ना पत्ता मला तोड़ तोड़ के देखत देवत रही से देखो ये मन हा कैसे मस्ती करत है दोनों जन मिल के तेला औ भैया ओ भाभी मन ह ए साइड मा हवन के तको पूजा करत हे दोनों झन मिल के त एकर बाद मा ना कोही फेरा त चलो संगवारी हो आप मन हमर वीडियो मा बने रहो। अब ये है लास्ट वाले फेरा बचे है जेमा जूता पहन के फेरा लेते त मोर बहिनी छ ना जूता पहना थे कार की भैया के ना एको जन साली नहीं है करके अवे साइड में मोर बहिनी और मैं हमन दोनों जना हाय करत हन काकी पति दे है साइड वीडियो बनावत रही से करके अवे साइड भैया और भाभी मन भी अपन फेरा लेके शुरू कर चुके हवे। अब फेरा हा तको हो चुके हवे त ओकर बाद में ना मोर भैया हा डाली भाभी के मांग मा सिंदूर त देखो मोर भैया हा भाभी के मांग मरा सिंदूर डाले के शुरू कर डले हवे और सिंदूर तको डल गए संगवारी हो ओकर बाद में ना ऐसे आंचल ना 7 बार छुआते ओकर बाद में ना आंचल ला पूरा नीचे तक नीचे गिरा थे मतलब कि बड़े से घूंघट करते तब भैया वही 7 बार वाले नेंग करा थे और नेंग कर डली सावे ओकर बाद में देखो बड़े से घूंघट तको रख डली से भैया हाँ ओकर बाद में ना मोर भाभी ला पहनावा थे मंगलसूत्र तो देखो मैं भैया मंगलसूत्र पहना डली से मोर भाभी ला तब पूरा रसम होए के बाद में ना दोनों जना एक दूसरे मला जयमाला पहनावा थे तब मोर भाभी हाँ सबसे पहली मोर भैया ला पहनी से ओकर बाद ना मोर भैया पहनी से मोर भाभी ला तो देखो दोनों जोड़ा कैसे लगा थे आप मन कमेंट करके जरूर बताओ। और मोर भैया भाभी के शादी समाप्त होए के बाद तो मैं भैया भाभी ला बधाई दे बर आ रहे हूँ तो ओकर बाद ना भैया और भाभी मना दोनों जन जावत है अपन इसे संवारी हो शादी है तो संपन्न हो चुके हैं और अपन ना मैं दूल्हे और दुल्हन से भी शादी होए के बाद अपन से मिला हो तो अब हम जावत हैं रिसेप्शन की ओर कि भैया भाभी मन के अभी रिसेप्शन होते तो हम जावत हैं नीचे तो चलो फिर देखना रिसेप्शन कैसे है कैसे टाइप के माहौल है चलो नीचे जाके बाद ही पता लगी चलो आप मन भी हम के साथ रिसेप्शन में बने रहो और बने रहो वीडियो में तभी तो आप मन रिसेप्शन कैसे पता लगी ना तो चलो नीचे चलते हैं फिर जल्दी से चलो सवारी हो चलते हैं और महुआ पार्टी में जाए के लिए ना रेडी हो चुके हो देखो रेड कलर की साड़ी पहने हो कैसे लगा था रेड कलर की साड़ी में ना तो आप मैंने कमेंट करके जरूर बताऊँ तो चलो फिर मैं जाती नीचे मम्मी बनाना चलेगी हवा अरे तो भाई क्यों शादी अब हमन है नीचे वाले पार्टी के हॉल में हमन आ चुके हैं तो हमन सबो जन एक साथ मिल के रहे ना तो हमन सबो जन एक साथ
फोटो खिंचावत रही हाँ। तो देखो यहाँ पे मेहमान मन तको आ चुके हवे। दूल्हा दुल्हन मन ना सबो जन इसने खड़े होके देखा थे और जे मन कुछ देना रही ना दूल्हा और दुल्हन मन भेंट देना रही से वो मन यहाँ पे देवत रही से तो हूँ मन ना साइड में खड़े हो गए रहे कार की स्टेज बहुत ज्यादा भीड़ रही ना तो बाद में जाबो करके तब बहुत टाइम के बाद में स्टेज अब खाली हुई से तो हूँ मन जावा था स्टेज कोती तो ओकर पहली अरे मम्मी पापा मन पहुँच गए से मोर मम्मी पापा मन हाँ तो यहूँ मन ना दूल्हा दुल्हन ला भेड़ देवर गई से ओकर बाद में देखो मैं भाभी से मिले बर गए तो भाभी है ना बहुत ज़्यादा खुश होगी से मोर से मिल के और साइड भैया तको है तो हूँ मन सेल्फी लेवत रहन यादगार बर तो भैया मन ना बहुत ज़्यादा खुश रही से क्या हम ला है करके वही मन बहुत बुलाया रही से हम लाहू आहू इसे करके ओकर बाद मैं आ गया है रिसेप्शन से ओकर बाद ना हमन यहाँ पे खाना पीना करा था तो हम सबो जन फैमिली ना इसने बैठ के खाना पीना करा था चाची मैं मम्मी सबो जन इसने बैठ के खा था बहुत अच्छा लगा था संगवारी इसने साथ में मिल के ओकर बाद में देखो ए साइड चला थे दूल्हा और दुल्हन के डांस चला थे फुल इंजॉय करा थे मन हाँ और बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगी से मन मस्त डांस करत रही था तो चलो देखा हूँ मन हाँ कौन सा गाना में डांस करे थे तेला तुम्हारे प्यार का माला है तो भैया के शादी के वीडियो कैसे लगी से और अगर कपल डांस के भी वीडियो ना आप मतलब कैसे लगी से तेला मरना कमेंट करके जरूर बताओ। अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक कर दो शेयर कर दो और कमेंट कर दो और आप मना हमारे चैनल ला सब्सक्राइब करे पर जान बुला यूट्यूब के घंटी के बेल आइकन ला ऑल मा जरूर सेट कर लो ताकि जब हम नया नया वीडियो आए ना एक नोटिफिकेशन ना संगवारी हो अपन के पास माँ पहुँच सका है। तो चलो अपन से मैं यहीं पे विदा लेवा था। जय जवाहर संगवारी हो जय छत्तीसगढ़।